या अंगूठी बहू की नहीं है। अम्मो बहू की है, गलती तो मेरी अंगूठी पे नजर पड़ गई होगी ना। भाई इतनी आंख कमजोर नहीं हुई है मेरी। अम्मो अनर्थ, घोर अनर्थ, कुल देवी की पूजा में ऐसा मजा। दरअसल बात यह है कि मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती, मुझे ये सब पसंद नहीं। तन्ने मेरा हुक्म ढाला, कितनी बार समझाऊं पता नहीं। ये इस हवेली के रीति रिवाज है, हर नई बहू को कुल देवी की पूजा में शामिल होना ही पड़ता है। और एक बात ध्यान से सुन ले, इस हवेली में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, मेरे हुक्म को टालने की या काटने की आज तक किसी ने कोशिश नहीं करी है। लेकिन आप भी एक बात समझिए, कोई भी मुझसे जबरदस्ती ये पूजा पाठ नहीं करवा सकता। अम्मो ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते, सिर्फ पत्थर की मूरत है। कोई कुलदेवी वुलदेवी नहीं होती अम्मो, ये सिर्फ एक पत्थर की मूरत है जिसे आप लोगों जैसे इंसानों ने श्रद्धा और आस्था का नाम देकर सर पे चढ़ाकर रखा है। इस घर का जरा घोड़ का बाद में भी तो उस घर की परंपरा नहीं पा पाया। ऋषिकेश्वर तू आरती में शामिल हो रहा है या मैं सारे रिश्ते नाते खत्म करती हूं? तारकेश्वर कौन है? लियो भाई कर लियो बात। रे तारकेश्वर मेरा होनाला पड़पोता, रे ऋषिकेश्वर का छोरा। हमेशा हिटलर दीदी बनके जी है तू। बचपन से जिम्मेदारियां निभाती आई है, हमेशा दिया है लोगों को। यह जो हमारी हवेली है ना, यह बहुत निराली है। बरगद का पेड़ की छाया की कोई कमी नहीं है। जिस छाया की तने तलाश है ना बेटी, वह मिले की उरा तने, उसकी कोई कमी नहीं है। पता है मुझे, तेरा बाप घर छोड़ के चला गया, पर जो जो इस वक्त तेरा साथ में खड़ा है उसकी के गलती है। जो बच्चा तेरी कोख में पल रहा है उसका के कसूर है? बोल के गलती है इनकी। और देख बेटी, ये बड़ा का काम ना बड़ा पे छोड़ दे। इतनी छोटी सी उम्र में ये बड़ी बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। सब जानती हूं मैं, ऋषि की सारी गलती तने अपने सर पे ले ली। काल दिखा तेरी बेटी, मार नहीं रही हूं, चोट देख रही हूं। बर्फ लगा ले जाके, सोजन आ जाएगी, नहीं तो खुश रह, खुश रह। जिस मां को अब तक अपने मायके में ढूंढ रही थी, पता नहीं था कि वो मां मुझे ससुराल आकर मिलेगी। खामखा लोगों ने सास बहू के रिश्ते को बदनाम कर रखा है। ढूंढने से जब भगवान मिलते हैं तो फिर सास के रूप में मुझे अपनी मां क्यों नहीं?